हेलो डॉलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पार्टनरशिप के चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज गारंटी। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसमें नाम दिया था बेसिक चैप्टर या बेसिक या फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने शुरुआत से लेके अभी तक जो डिस्कस करा उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करा पार्टनरशिप क्या होती है, फर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करा। प्रैक्टिकल पोर्शन में हमने IOC, IOD, कमीशन, फिर हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स, IOD के अंदर कितने मेथड्स थे उनकी कैलकुलेशन समझी। तो अब मैं आपके साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज गारंटी। अगेन इस टॉपिक को अराउंड हम जैसे 7 लेक्चर तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगेन हमारा लेक्चर नंबर 28 चल रहा है और अभी तक बच्चों को लग रहा होगा हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं क्या। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बेसिक कंसेप्ट को डीप तक समझ रहे हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, जब आप यूट्यूब पे अकाउंट्स के लेक्चर्स देखते हो तो 27-28 तक तो पार्टनरशिप के अच्छे खासे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। कोई टीचर चैप्टर नंबर 3 पे चल रहा होता है, कोई टीचर चैप्टर नंबर 4 पे चल रहा होता है, पर हम अभी भी चैप्टर नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि हमें प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं गारंटी। गारंटी के नाम से पता लग रहा है कि कोई पर्सन किसी और पर्सन को प्रॉमिस करेगा। अब प्रॉमिस किस चीज का, यहां प्रॉमिस हो रहा है प्रॉफिट का। किस चीज की गारंटी मिलेगी, प्रॉफिट की। हमारे कोर्स में दो तरह की गारंटी है, ढंग से समझना। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है किसको, या तो गारंटी दी जा रही है पार्टनर को या गारंटी दी जा रही है फर्म को। या तो गारंटी किसको मिल रही है, पार्टनर को, या किसको मिल रही है, फर्म को। पहले ये चीज समझा देता हूं। अगर कोई भी पार्टनर फर्म को यह बोलता है कि मैं अपनी तरफ से अपनी मेहनत से फर्म को इतना अर्न करके दूंगा, तो उसे बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ फर्म बाय अ पार्टनर। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, A, B, C। सी बोलता है कि मैं अपनी मेहनत से अपनी स्किल से फर्म को साल के 50,000 रुपए कमा के दूंगा। कितने कमा के दूंगा, 50,000। सी बोलता है मैं अपनी स्किल से फर्म को 50,000 कमा के दूंगा। फर्म का पूरे साल भर का प्रॉफिट हुआ 1,70,000। ये फर्म का प्रॉफिट है। इस 170 में से 45,000 सी की वजह से आए हैं। किसकी वजह से आए, सी की वजह से। तो आपको ये बताना कि सी ने प्रॉमिस कितने के लिए करा था, 50,000। पर सी ने अपनी स्किल्स की वजह से कितना कमा के दिया, 45,000। तो कितना कम पड़ रहा है, 5,000। इस 5,000 को हम किससे लेंगे, सी से लेंगे। और ये जो कम पड़ता है ना, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको, डेफिशिएंसी। तो सी ने 50,000 के लिए बोला था, पर सी ने अपनी तरफ से केवल 45 ही कमा के दिए, तो हमें सी से कितना लेना है, 5,000। कितना लेना है, और सी पर्सनली 5,000 फर्म को देगा। अब जो प्रॉफिट 170 का था वो कितने का हो जाएगा, 175,000। इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ फर्म बाय अ पार्टनर। जहां पे पार्टनर फर्म को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको अपनी तरफ से इतना कमा के दूंगा, अगर उतना नहीं कमा पाया तो जितना कम पड़ रहा है वो पर्सनली वो ही बियर करेगा, वो ही देगा। लेकिन अगर सी अपनी तरफ से 55,000 कमा के दे देता, प्रॉमिस कितने करा, 50 का, कमा के कितना दिया, 55, तो अब क्या सी को और कुछ देने की जरूरत है क्या, नहीं सर। क्या सी को हम वापस 5,000 एक्स्ट्रा लौटा देंगे क्या, नहीं सर। यहां हम भावुक हो जाते हैं। भावुक कैसे हो जाते हैं, कि सर सी तो 50,000 के तो प्रॉमिस करके बैठा है, उसने तो 55 कमा के दिया। अरे गारंटी का मतलब यहां पे है मिनिमम गारंटी। मिनिमम का मतलब है कम से कम। अगर वो ज्यादा कमा के दे देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादा कमाएगा भी फॉर्म का ही कहलाएगा। यूं नहीं है कि सर से 60,000 कमा के दे दिया, उसको 10,000 वापस लौटा दो, ऐसा नहीं होता। अगर उसे 50,000
30,000 का प्रॉमिस करा है, अगर उससे ज्यादा कमा के देगा तो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, वो पूरा का पूरा फर्म का ही कहलाएगा, वो पार्टनर है ना। लेकिन अगर वो प्रॉमिस करता है 50 का और कमा के देता है 45, तो उससे कितने लेने हैं? 5,000। चलो ये आंसर देना मेरे को, एग्जाम्पल करते हैं वापस। इस बार बी ने प्रॉमिस करा है किसको? फर्म को। जब बी फर्म को प्रॉमिस कर रहा है मतलब गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ फर्म बाय अ पार्टनर। बी बोलता है मैं अपनी तरफ से 70,000 साल का कमा के दूंगा। बी बोलता है मैं 70,000 कमा के दूंगा। फर्म ने पूरे साल भर में 1,80,000 अर्न किए। फर्म ने कितने कमाए? 1,80,000। इस 1,80,000 में से बी के द्वारा 62,000 इंक्लूड है। मतलब बी ने अपनी स्किल से कितने कमाए? 62। बी ने प्रॉमिस कितना करा था? 70। बी ने कमा के कितना दिया? 62। तो हम बी से अब और कितना मांगेंगे? 8,000। कितना मांगेंगे? 8,000। जिसको कौन भुगतेगा? बी ही भुगतेगा। तो हमें बी से अब 8,000 और लेना है। 8,000 अगर और लेंगे तो जो प्रॉफिट 180 का था वो प्रॉफिट 1,80,000 का हो जाएगा। इसको अपन कैसे अकाउंट्स में पुट अप करेंगे बात की बात है, अभी कॉन्सेप्ट समझो। यहां पे जहां बी 70 का प्रॉमिस कर रहा था पर बी ने 62,000 ही अर्न करके दिए, तो हम बी से 8,000 और लेंगे। और जहां फर्म का प्रॉफिट 180 आ रहा था वो 1,88,000 हो जाएगा। ओके, नाउ बी ने प्रॉमिस 70 का करा लेकिन बी ने अपनी मेहनत से 95,000 कमा के दे दिए। कितने कमा के दे दिए? 95। तो क्या हम बी से और कुछ एक्स्ट्रा मांगेंगे क्या? नहीं, जितने का गारंटी दिया था उससे ज्यादा कमा के दिया, तो मांगने की बात तो आती नहीं है। लेकिन क्या एक्स्ट्रा रिटर्न करना है क्या? नहीं, गलती से भी नहीं, वो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं होगा, वो पूरा का पूरा किसका प्रॉफिट है? फर्म का प्रॉफिट है। तो ज्यादा कमा के दे दे तब तो कोई दुख नहीं है, कम कमा के दे तो जितना कम कमा के दिया उससे भी। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसे बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ फर्म बाय अ पार्टनर। मिनिमम क्या बोला? मिनिमम का मतलब है गारंटी के अंदर इतना भी, इससे ज्यादा जो नहीं उससे कम कमा के दोगे तुम वापस लेंगे। नाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, नीचे बात को मैं देख रहा हूं, बस इतना ही समझो। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर ऐसा कब होता है? मान लो तीन फ्रेंड्स हैं एबीसी, तीनों पार्टनर है, और पार्टनर। अब एक नया पर्सन आया जिसका नाम है मिस्टर डी। क्या नाम है? मिस्टर डी। तो मिस्टर डी अपने आप में एक टेक्निकल पर्सन है। कौन सा पर्सन है? टेक्निकल पर्सन है। डी को ए बी सी अपनी फर्म में लेना चाहते हैं। डी एक टेक्निकल पर्सन है जिसके अंदर टेक्निकल नॉलेज है बहुत सारी, उसको वो अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी को बोलता है तुम्हारी फर्म का पार्टनर बन जा, पर डी इंटरेस्टेड नहीं होता। बोलता नहीं है, मैं तो अपना खुद का बिजनेस करता हूं, मेरे पास अच्छे इनकम नहीं है, मेरे को पार्टनरशिप नहीं बनना। लेकिन फिर एबीसी बोलते हैं कि अगर तू हमारा पार्टनर बनता है तो देखो हर साल कम से कम 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ये लोग डी को क्या बोलते हैं? कम से कम देखो 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, भले हम खुद लॉस में क्यों ना चले जाए। मान लो अगर फॉर्म में लॉस भी हो रहा होगा ना तो भी डी को तो 1,00,000 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पे मतलब पता क्या है कि गारंटी दी जा रही किसको? पार्टनर को। अब यहां पे दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। डी को गारंटी ये तीनों मिलकर भी दे सकते हैं, या फिर इनमें से बी बोलता है डी को कि तू हमारी फर्म में पार्टनर बन जा, तो अगर तेरे को 1,00,000 से कम का प्रॉफिट मिलता है किसी भी साल, तो जितना कम प्रॉफिट मिलेगा वो मैं तेरे को पर्सनली अपनी जेब से। कौन बीयर करेगा? बी। बीयर का मतलब गदना। तो एक पार्टनर को गारंटी देना, वो गारंटी कौन दे रहा है? अगर ये सारे रिमेनिंग बंदे दे रहे एबीसी, तो इसको बोलते हैं गारंटी बाय अ फर्म। अगर सारे पार्टनर्स दे रहे हैं तो गारंटी बाय अ फर्म, और अगर कोई एक बंदा गारंटी दे रहा है, केवल ए दे रहा है, केवल बी दे रहा है, केवल सी दे रहा है, तो गारंटी बाय वन पार्टनर, या फिर वन ना लिख के गारंटी बाय अ पार्टनर। अ मतलब मिसिंग। इस केस को मैं वापस समझाता हूँ ढंग से सुनो, और बहुत इजी टॉपिक है, हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं इसको छोड़कर, और ये होते हमारा फर्स्ट चैप्टर 100% फिनिश हो जाएगा।
अगर एबीसी पार्टनर है और वो डी को अपनी फर्म में पार्टनर बनाना चाहते हैं तो डी को लालच देते हैं कि तू हमारी फर्म में पार्टनर बन जा, तेरे को हर साल कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख। अगर 1 लाख से कम प्रॉफिट मिला तो उस रिमेनिंग अमाउंट को हम तेरे को पे करेंगे, हम मतलब ए बी सी तीनों मिलकर पे करेंगे। तो इसे बोलते हैं गारंटी बाय अ फर्म। लेकिन जब केवल एक ही पार्टनर, केवल ए बोलता है गारंटी कि मैं तेरे को दूंगा बचा, अगर मान लो डी को 90,000 मिले, अब कितना कम पड़ रहा है 10,000, तो 10,000 पूरा पूरा ए दे देगा, या फिर पूरा पूरा बी दे देगा, या फिर पूरा का पूरा सी दे देगा। इसे बोलते हैं बाय अ पार्टनर। और अगर तीनों मिलकर भुगतेंगे, तीनों मिलकर भुगतेंगे तो गारंटी बाय अ फर्म। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम में अगर आपको यह बोल दिया जाए कि डी को गारंटी मिली है कितने की, 1 लाख रुपए प्रॉफिट की साल की, लेकिन ये गारंटी किसने दी ये नहीं बताया कि भाई ए ने दी, बी ने दी, सी ने दी, ये नहीं बताया। तो उस केस में आपको ये मानना है गारंटी तीनों ने मिलकर दी। तो हमेशा बाय डिफॉल्ट गारंटी कौन देगा, फर्म देगी। अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ जाए गारंटी सी ने दी, गारंटी ए ने दी, गारंटी बी ने दी, तो उसे बोलते हैं गारंटी बाय अ पार्टनर। तो देखो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां पे कोई सिचुएशन बनती नहीं, यहां तो पार्टनर फर्म को गारंटी देता है। लेकिन जब हम पार्टनर को गारंटी देते हैं तो वहां पे गारंटी देने वाला कौन है, कोई एक पार्टनर है या सारे के सारे पार्टनर है? क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हमेशा मानना है भैया सारे के सारे पार्टनर ने गारंटी दी है, मतलब बाय अ फर्म। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ढंग से सुनना, टेक्निकल बात कर रहा हूं। जब गारंटी ए बी सी तीनों ने मिलकर दी है और डी को गारंटी कितने की दी है, 1 लाख की, लेकिन इस साल डी को केवल 70,000 रुपीज ही मिले, कितने मिले 70,000 रुपीज। तो डी को मिलने चाहिए 1 लाख पर मिले कितने 70,000, कितने कम पड़ रहे हैं 30,000। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। जो पैसा कम पड़ता है उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो डी को हमने प्रॉमिस करा था 1 लाख का, पर डी के हिस्से में कितना है 70,000, तो डी को 30,000 रुपए और मिलेंगे। अब ये 30,000 की डेफिशिएंसी कौन भुगतेगा? क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तब तो तीनों भुगतेंगे, ए भी भुगतेगा, बी भी भुगतेगा, सी भी भुगतेगा। और क्वेश्चन बोल दे कि भाई ए भुगतेगा तो फिर ए भुगतेगा, हम ये मानते हैं क्वेश्चन में कुछ ना बोला है तो ए भी भुगतेगा, बी भी भुगतेगा, सी भी भुगतेगा। अब प्रॉब्लम सुनना क्या है, इस 30,000 की डेफिशिएंसी को एबीसी कौन से रेशियो में भुगतेंगे? नया क्वेश्चन रह गया, इस 30,000 की डेफिशिएंसी को एबीसी कौन से रेशियो में भुगतेंगे? तब सुनना, अपने मन से मत बोलना, इक्वली भुगत देंगे। अगर क्वेश्चन में इन तीनों का डेफिशिएंसी भुगतने का रेशियो डिसाइडेड है, क्या कहना चाहता हूं, सुनना, जब एबीसी ने मिलकर डी को गारंटी दी थी तब इन तीनों ने डिसाइड कर दिया था कि अगर कुछ भी डेफिशिएंसी होती है तो हम 2:1:1 में बांटेंगे। ये पीएसआर रेशियो नहीं है, वापस बोल दूं, एबीसी का पीएसआर रेशियो क्या है, मान लो 3:2:1, एबीसी का पीएसआर रेशियो क्या है 3:2:1। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एबीसी ने डिसाइड करा था कि डी को जितनी भी डेफिशिएंसी होगी वो हम इस रेशियो में भुगतेंगे। तो फिर 30,000 कैसे भुगतना है, 2:1:1, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी रेशियो। लेकिन अगर ये रेशियो डिसाइड नहीं करा, हमने डिसाइड नहीं करा कि कौन से रेशियो भुगतना है, तो फिर उस केस में कौन से रेशियो भुगतेंगे, पीएसआर रेशियो। तो डेफिशिएंसी को पार्टनर डेफिशिएंसी रेशियो में भुगतते हैं, लेकिन डेफिशिएंसी रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो कौन से रेशियो भुगतते हैं, पीएसआर रेशियो। और मान लो इस क्वेश्चन में पीएसआर रेशियो नहीं होता तो क्या मानते हैं, पीएसआर रेशियो इक्वल 1:1:1। ये बात वापस बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, जब पूरी फर्म गारंटी देती है, पूरी फर्म का मतलब है सारे पार्टनर्स, तो उस केस में डेफिशिएंसी को पार्टनर्स डेफिशिएंसी रेशियो में भुगतेंगे और डेफिशिएंसी रेशियो क्वेश्चन देगा। अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं पता है तो फिर कौन से रेशियो में भुगतना है, पीएसआर रेशियो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी
such deficiency will be born. Born मतलब भुगतना, ठीक है. If there is any deficiency, then such deficiency will be born by partners. Born by partners in deficiency ratio. In deficiency ratio. आगे मैं लाइन बोल रहा हूं, आप लोग लिख लो. यहां से लिख दिया, वापस बोलता हूं. If there is any deficiency, then such deficiency will be borne by partners in deficiency ratio. But if there is no deficiency ratio, then deficiency will be borne in PSR ratio. Deficiency will be borne in PSR ratio. तो सबसे पहले चेक करो deficiency ratio दिया हुआ है क्या. अगर दिया हुआ तो उस रेशियो में बांट लो. और रेशियो अगर डेफिशिएंसी रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो फिर कौन से रेशियो बांटोगे, पीएसआर रेशियो. ओके, चलो फटाफट एक छोटा सा एग्जांपल बनाओ इसके अंदर, फिर आज क्लास अपन कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे. सुनना, इस एग्जांपल में जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, डी को ये पार्टनर बना रहे हैं और डी को गारंटी दे रहे हैं कि भी कम से कम देखो साल का प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1 लाख. ठीक है, इस साल जो प्रॉफिट आया उसमें से डी के हिस्से में कितना आया, 70,000. कितना है केवल 70,000. तो डी को कितने रुपए कम मिले, 30,000. ठीक है, अब इस 30,000 को कौन भुगतेगा, क्वेश्चन में नहीं बताया, तो हम क्या बोलेंगे, ए भी भुगतेगा, बी भी भुगतेगा, सी भी भुगतेगा. क्लियर है, मतलब गारंटी गिवन बाय फर्म. इन लोगों ने कोई डेफिशिएंसी रेशियो डिसाइड नहीं करा, कोई डेफिशिएंसी रेशियो डिसाइड नहीं करा. तो जब डेफिशिएंसी रेशियो डिसाइड नहीं करा तो ये लोग डेफिशिएंसी कौन से रेशियो मानेंगे, पीएसआर रेशियो. बच्चे कहते हैं सीधा पीएसआर रेशियो मान लेते, गलत है. पहले चेक करो डेफिशिएंसी रेशियो है क्या, अगर है तब तो ठीक है, अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं है तो कौन सा रेशियो, पीएसआर रेशियो. इन तीनों को पीएस, ये तीनों इस डेफिशिएंसी को पीएसआर रेशियो बांटेंगे क्योंकि डेफिशिएंसी रेशियो नहीं है. चलो पीएसआर रेशियो नहीं बताया क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट पीएसआर क्या होता है, 1:1:1. इसका मतलब 30,000 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 1/3, 10,000 ये भुगतेगा, 10,000 ये भुगतेगा, 10,000 ये भुगतेगा. ये समझ में आया. अगला एग्जांपल सेम चीज है, डेफिशिएंसी 30,000 डिसाइड करा था कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो उसको 2:1:1 में बांटेंगे. कौन से रेशियो बांटेंगे, ये है डेफिशिएंसी रेशियो. डेफिशिएंसी रेशियो सेम क्वेश्चन, 30,000 इन तीनों को भुगत रहे हैं, क्वेश्चन भी डिसाइडेड है कौन सा रेशियो, डेफिशिएंसी रेशियो 2:1:1. तो क्या करोगे, 30,000 मल्टीप्लाई 2/4 1/4 1/4. ओके, दैट मींस 15,000, 7,500 7,500. दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, डेफिशिएंसी रेशियो डिसाइडेड नहीं है लेकिन पीएसआर रेशियो है, 3:1:2 3:1:2. तो ठीक है, डेफिशिएंसी रेशियो रख लेते हैं, डेफिशिएंसी रेशियो है वही 2:1:2. अब सुनना, 30,000 की डेफिशिएंसी इसको बदलनी है एबीसी को, दो दो रेशियो है, डेफिशिएंसी रेशियो भी और पीएसआर रेशियो भी. डेफिशिएंसी के लिए पहले क्या चेक करते हैं, डेफिशिएंसी रेशियो. तो क्या उस रेशियो से मतलब है क्या, नहीं. इस 30,000 को 2:1:1 नहीं, ये तीनों बियर करेंगे. लेकिन अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं होगा तो फिर कौन से रेशियो में जाना है, पीएसआर. तो इस 30,000 को फिर ये 3:1:2 में अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सिचुएशन क्या बनी कि भाई किसी पार्ट को गारंटी देते हैं, अगर फर्म गारंटी देती है तो अगर डेफिशिएंसी आ जाए तो डेफिशिएंसी को सारे पार्टनर्स डेफिशिएंसी रेशियो बांटेंगे, अगर डेफिशिएंसी रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो पीएसआर रेशियो बांटेंगे. इसको करना कैसे हूं मैं सिखाऊंगा, बस आप मेन कंसेप्ट समझो. ठीक है, अब इसकी बात करता हूं. जब गारंटी कोई एक ही पार्टनर देगा, मान लो केवल ए ने गारंटी दी है डी को, किसने दी है, ए ने, इसको बोलते हैं बायर पार्टनर. कितनी डेफिशिएंसी है, 30,000. तो अब क्या तुम्हें एबीसी में बांटना है, क्योंकि पूरे को ए भुगतेगा, पूरा का पूरा ए भुगतेगा, क्योंकि गारंटी किसने दी है, ए ने. और जब ए की पार्टनर को पूरा भुगतना है तो रेशियो चाहिए क्या, नहीं, पूरा 30,000 ए भुगतेगा. अगर गारंटी केवल बी ने दी है तो पूरा 30,000 बी भुगतेगा, और गारंटी अगर सी ने दी है तो पूरा का पूरा कौन भुगतेगा, सी भुगतेगा. रेशियो कब चाहिए डेफिशिएंसी रेशियो, जब गारंटी फॉर्म देंगे तो सारे पार्टनर्स. लास्ट बात बोल कंप्लीट करूंगा,
अगर गारंटी 1 लाख की मिली है और इसके साल हिस्से में 1,70,000 आ गया, हमने डी को गारंटी कितनी की थी 1 लाख की, लेकिन डी के हिस्से में साल कितना गया 170, तो क्या कोई डेफिशिएंसी है क्या? नहीं, उल्टा 1 लाख से ज्यादा मिल गया। हमने तो प्रॉमिस 1 लाख का करा था, मिल कितना रहा है 1,70,000, तो क्या कोई डेफिशिएंसी है क्या? और जब डेफिशिएंसी है ही नहीं तो यहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। लेकिन आप ये मत बोल देना सर उसे 70,000 छीन लो वापस। मैंने क्या बोला था, गारंटी का मतलब है मिनिमम गारंटी, कम से कम 1 लाख मिलना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है ना तो छीनना नहीं है, वो पूरा पूरा 1,70,000 डी का ही रहेगा। लेकिन 1 लाख से कम मिलेगा उस कम का जरूर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको लेके मैं नेक्स्ट 5-6 लेक्चर्स तक आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ओके? और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा तब जाके कंप्लीट होगा। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में मिनिमम मतलब मिनिमम कम से कम, टू ऑफ पार्टनर टू ऑफ फर्म, यहां तो देने वाला कौन है, एक ही पार्टनर है, यहां पे ध्यान रखना एक ही पार्टनर है, फर्म को गारंटी दे रहा है। और टू ऑफ पार्टनर में या तो एक पार्टनर गारंटी दे रहा है या फर्म दे रही है, फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स। और जब सारे पार्टनर्स गारंटी देते हैं तो उस केस में डेफिशिएंसी को डेफिशिएंसी रेशियो बांटना है, अगर डेफिशिएंसी रेशियो नहीं है तो पीएसआर रेशियो। और एग्जाम में अगर क्लियरली ना बता रखा हो कि गारंटी किसने दी है, एक पार्टनर ने दी है या फर्म ने दी है, तो बाय डिफॉल्ट किसने दी है, फर्म ने दी है, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां मैं आपके सामने गारंटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस